हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ। आप लोगों का एक बार फिर से सरोवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम देखेंगे शाहजहां का अंतिम भाग। जिस टाइम शाहजहां का भारत में शासन चल रहा था, तो उनके अंतिम दिनों में उनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध शुरू हो जाता। जिस समय युद्ध होता तो उस समय शाहजहां के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, और तीनों पुत्रियां भी इस युद्ध में भाग लेती हैं। तो तीनों पुत्रियां अलग अलग भाइयों को सपोर्ट करती हैं। हालांकि शाहजहां जो थे ज्यादातर पक्ष में दारा सिखों के थे। आइए देखते हैं। पहला देखो, दारा सिखों ये पुत्र है इधर, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद। तो दारा सिखों का जो साथ देती है वो जहां आरा देती है। इनकी ये बहन है, पुत्री है शाहजहां की, जहां आरा, रोशन आरा और मोहन आरा। शाह शुजा के पक्ष में कोई बहन नहीं थी, औरंगजेब के पक्ष में रोशन आरा थी, मुराद बख्श के पक्ष में मोहन आरा थी। तो एग्जाम में पूछ लेता कि दारा सिखों का सहयोग किसने किया था, उत्तराधिकारी के युद्ध में कौन सी सिस्टर ने या कौन सी बहन ने किया था उसके, तो जहां आरा ने किया था। जबकि किस कौन से भाई का किसी भी बहन ने समर्थन नहीं किया था, तो शाह शुजा का नहीं किया था। आइए देखते हैं इसमें युद्ध। अब पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, 14 फरवरी 1658 ईस्वी को। इस युद्ध में शाह शुजा जो है शाही सेना से पराजित हो गया था, क्योंकि शाह शुजा स्वयं पहले अपने आप स्वयं सोचता है कि मैं शासक बन जाऊं, इसलिए वो विद्रोह कर देता है। तो शाहजहां दारा सिखों के नेतृत्व में शाह शुजा से युद्ध करने के लिए शाही सेना भेजते हैं, जिसके शाही सेना ने शाह शुजा को पराजित कर दिया, और इस प्रकार शाह शुजा पराजित हो गया। फिर अगला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को, और यह होता है औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने शाही सेना को पराजित किया। एक तरफ कौन था भाई, औरंगजेब, और दूसरी और मुराद, और दूसरी तरफ था शाही सेना, अर्थात शाहजहां की सेना, और उसके साथ कौन था, दारा सिखों। तो इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की जीत होती है और शाही सेना की हार होती है। फिर तीसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, 8 जून 1658 ईस्वी को। इस युद्ध में भी एक तरफ शाही सेना होती है, दूसरी तरफ औरंगजेब और उसका भाई मुराद होता। औरंगजेब बहुत चालाक था, कूटनीतिक था, उसने सोच समझ लिया था यदि मैं अकेला युद्ध करूंगा तो शाही सेना को पराजित नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दारा सिखों के पक्ष में शाहजहां था ही, वो उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, तो उससे भी अपने साथ में शामिल कर सकता था। तीसरा जो मुराद था, मुराद उनसे अलग था, मुराद अपने लिए अपने समर्थन में था, तो औरंगजेब ने मुराद को अपने पक्ष में कर लिया कि हम दोनों साथ में मिलकर बनेंगे, आपको शासक बना दिया। तो मुराद क्या होते हैं, औरंगजेब के साथ में आ जाते हैं, दोनों भाई शाहजहां की सेना को पराजित कर देते हैं, शाही सेना को। इस युद्ध के बाद औरंगजेब शाहजहां को क्या कर लेता, बंदी बना लेता है, साथ ही साथ वो मुराद को भी बंदी बना लेता है। इस युद्ध के बाद पहले उनके साथ में मिलाया, फिर जब युद्ध जीत जाता है तो शाहजहां को कैद करा लेता है और उन्हें और आगरा के किले में नजरबंद करा देता। वहीं पर 1666 ईस्वी में शाहजहां की 8 वर्ष तक कैद में रहने के बाद मृत्यु जाती है, अर्थात वो किले में ही रहते थे, नजरबंद थे, और मुराद को भी वहीं पर वो बंदी बना लेता। बाद में मुराद को भी बंदी बनाकर ग्वाल कोठरी में बंद कर देता, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुराद से भी उसने छुटकारा पा लिया था औरंगजेब ने। ख्वाजा का युद्ध, अब ख्वाजा का जो युद्ध हुआ था, तो यह ख्वाजा का युद्ध जो हुआ 1658 ईस्वी में, औरंगजेब ने शाहू शुजा को पराजित किया। शाहू शुजा वही जिसने पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, जिससे शाही सेना था और इसने विद्रोह किया था, तो शाह शुजा को भी इसने औरंगजेब ने पराजित कर दिया और इसकी भी हत्या करा दी। बाद में देवराय का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसका राज्यभिषेक जो हुआ औरंगजेब का, 2 बार हुआ था, एक बार हुआ ये वाला युद्ध जीतने के बाद 8 जून 1658 के बाद, इसके बाद फिर दोबारा से होता 1659 ईस्वी में। तो देखो इसमें देवराय का युद्ध 5 जनवरी 1659, औरंगजेब ने अजमेर के निकट देवराय के दर्रे में दारा को परास्त कर दिया। दारा को क्या कर दिया,
पराजित कर दिया, पराजित करने के बाद उसे बंदी बना लिया गया और बाद में दारा सिंह की भी हत्या करा दी। इस प्रकार औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों से छुटकारा पा लिया और अंत में अपना शेष बचा और शासक बन गया। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार होता है, एक होता 1658 में और एक होता 5 जनवरी 1659 में। इस प्रकार शाहजहां का अंत हो जाता है। तो शाहजहां का जो शासन काल चला था, तो शाहजहां का शासन काल चला 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासन काल चला। और शाहजहां का जो मकबरा बना, जब इनकी मृत्यु हो गई 1666 ईस्वी में, कैद में मृत्यु हो गई थी, 1666 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई थी 1666 में, तो इनका मकबरा कहां बना? आगरा में। आगरा मतलब ताजमहल। ताजमहल जो है इसमें मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। शाहजहां ने बनवाया था, वो मरने से पहले अपनी बेगम मुमताज की याद में, क्योंकि मुमताज की मृत्यु हो जाती है 1632 में, जिस टाइम गोहन आरा का जन्म होता है, इनका जन्म होता है गोहन आरा का 1632 में, उसी टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं की याद में आगरा में, ये आगरा में ताजमहल का निर्माण कराते हैं। और ताजमहल क्या होता है फिर? इनका मकबरा, ताज महल। तो शाहजहां की मृत्यु होती है तो शाहजहां की भी कब्र वहीं पर बना दी जाती है। इस प्रकार शाहजहां का चैप्टर समाप्त। इसके बाद हम औरंगजेब देखेंगे। ओके, थैंक्स।